कविता किचन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे बनाना इतना आसान है कि जब भी मन करे आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं। इसे हमने छीलकर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह हम सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस पर हमने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो अब तेल मीडियम गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके बॉल्स को डाल देंगे जितना कढ़ाई में आ सके। थोड़ी देर बाद इसे चला देंगे और इसे हम मीडियम आंच पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए अब ये गोल्डन हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो अब आलू का नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।